हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा 11th डेट का और यूकेजी का। हमने स्मॉल कर्सिव राइटिंग कंप्लीट सीख ली है। हमारी चल रही है कैपिटल में हमने 5 लेटर सीखे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉग। ये 4 लेटर आपके रिपीटेशन में चलते रहने चाहिए। नीचे एक दो लाइनों में यही लेटर चूज करवाइए, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में आप जो दो वो हमारा चल रहा है कैपिटल आई ये वाला। बनाने का तरीका देख लीजिए, बस इसीलिए सब कुछ है। तो यहाँ से जे बनाना है, जे फॉर जग, बस इतना ध्यान रखना है। नीचे 4 लाइनों में जाना और फिर पैसे मुड़ना है। बुक के अंदर देख लीजिए अच्छे से बना हुआ है वहां पे। अगर यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा तो लिखाई खाड़ नहीं है, बस हमें लाइनिंग का ध्यान रखना है और मोड़ने का और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, यही चीजें हैं सीखने में कर्सिव के अंदर। इस प्रकार ये जेफ और जेफ आज का हमारा एक न्यू लेटर आ रहा है। और हिंदी में हमारी बड़ी की मात्रा चल रही थी, उसमें आज के जो अक्षर है आपके सस्लेट से लेके गया ज्ञान तक के ऊपर ई की मात्रा है। ये 6 के 6 शब्द आपको राइट करने हैं, पढ़ने हैं अच्छे से। और हिंदी के अंदर हमारी चल रही है स्पेलिंग्स। देखिए आप हिंदी की जो बिल्कुल क्लोज लाइनिंग वाली हिंदी की नोटबुक होती है, 2 लाइन वाली जिसमें क्लोज लाइनिंग होती है बिल्कुल पास पास, वो भी यूज कर सकते हो। या इंग्लिश की नोटबुक में ही आप नंबर नेम करवाइए तो बी राइट कर। अब हमारे को 1 की स्पेलिंग हमने आपको बताई थी कि इस तरह से जैसे आप वो बनाते हैं O, यहीं से N और यहीं से P, 1 लेटर को कंप्लीट करके ही हमें हटना है। उसके बाद में 2 की स्पेलिंग T W O 2, ये T जो होता है सभी 3 लाइनों में होता है, इसको कंप्लीट कर देना है ऐसे। ऊपर देखिए जाना थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे का दोबारा लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। O N E 1 T W O 2 T के अंदर ये गैप नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, O जैसे बनाना हमने सीखा है, O N E 1 तीनों दो लाइनों में होते हैं बीच वाली में, यहाँ पर T W O। इस प्रकार से 1 और 2 की स्पेलिंग्स, मेन मकसद स्पेलिंग लर्न करना और कर्सिव राइटिंग राइट करना है। तो ये आपका आज का वर्क। और जिन पेरेंट्स ने अभी भी बुक्स नहीं खरीदी हैं तो प्लीज बुक्स खरीद लीजिए। स्कूल का कोई पता नहीं कब लगेगा, तो दी बेस्ट यही है कि अगर आप घर पे करवाओगे तो बच्चा टच में रहेगा, स्टडी के टच में रहेगा, तो जब भी स्कूल खुलेंगे। अब ये तो है नहीं है कि आप इसी साल यूकेजी क्लास में, तो अगले साल भी आप यूकेजी में बिठा दोगे, ऐसा तो आप भी नहीं कर सकते। ना ही भारत की सरकार में ऐसा कोई रूल है कि अगर बच्चे को नहीं आ रहा तो वो पीछे उसी क्लास में हम रख सकते हैं या फेल कर सकते हैं, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो प्लीज़ अपने बच्चे करवाइए, कुछ करवाओगे उसमें आपका और आपके बच्चे का ही फायदा है। ठीक है, सीख के आगे जाएगा तो कहीं फंसेगा नहीं, अदरवाइज 9th में जाकर फेल हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है ऐसे स्टडी का। सो सीरियसली लेके बच्चों को थोड़ा डांट फांट के जो भी है, अगर बच्चा नहीं कर रहा तो मैं आ सकता हूँ, मैं स्कूल में रहता हूँ 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो और बच्चे को मेरे पास लेके आ सकते हो। आपसे वर्क नहीं दिया जा रहा, मेरे पास नोटबुक्स भेज सकते हो, बच्चे को तुम्हें मत भेजना, नोटबुक्स भेज सकते हो। और मेरे पास अगर बच्चे को भेज रहे तो मास्क लगा के सब कुछ जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको फॉलो करके ही जाना। सो थैंक यू।